तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम आए हैं रोहतक में, और रोहतक में हम आज कवर करने वाले हैं ट्रस्ट मी फूडीज, मुंबई का फेमस वड़ा पाव और चटनी। यार, हमें काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट करा था कि आपको ये जगह ज़रूर ट्राई आउट करनी चाहिए। ये साइज़ देखो यार इनके वड़ा के, इतने बड़े बड़े वड़ा। तो क्यों ना हम सीधे इनके ओनर से बात करते हैं। तो भैया, आपका नाम? संजय जी, संजय कुमार। संजय कुमार जी, तो आपको ये बिज़नेस एस्टेब्लिश करे हुए कितना टाइम हो गया? अभी 3 मंथ हुए हैं। 3 महीने हुए हैं अभी आपको? हाँ जी, हाँ जी। और अभी से इतनी पॉपुलैरिटी की, लोग हमें पर्सनली सजेस्ट कर रहे हैं आपके बारे में। टेस्ट है जी, टेस्ट और क्वालिटी। और ये देखो भाई, बड़े क्या साइज है यार। तो ये आ गए अपने पाव, ये अपना पाव, इसको काट दिया गया है। ये अपनी लगती हुई इमली वाली चटनी, दूसरी हमारी क्लासिक हरी धनिया चटनी, हाँ धनिया और पुदीने वाली चटनी। ये हमारा मेन मसाला। ओ भाई साहब, क्वांटिटी के साथ भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी आपको 100% मिलेगी यहाँ पे भैया की तरफ से। ये भाई हमारे क्रंचीज़ आते हुए, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। ये चीज़ मैंने पर्सनली इससे पहले कभी नोटिस नहीं करी कि एक बाइट के लिए यार, मतलब क्या मस्त इनोवेशन है। ये चीज़ देखो, ये मसाले होते हैं इसमें वन, उसके ऊपर चटनी। चटनी हमारी एक टाइप की होती है, दो टाइप की रहती है? इसमें 3 टाइप की होती है। एक तो धनिया पुदीने की होती है, एक गुड़ की और इमली की होती है, खजूर की मीठी चटनी होती है, एक ये होती है हरी चटनी अपनी, हाँ धनिया पुदीने की, और मेन मसाला होता है ये वड़ा पाव। ओके, होममेड है? हाँ जी सर, सब चीज़ होममेड, सारा कुछ हमारा होममेड रहता है, हाँ घर पे कोई बात। और ये क्या चीज़ डाल रखी है आपने? ये क्रंचीज होती है, जो हम इसको फ्राई करते हैं ना, जो बच्चा एक बाइट देने के लिए, इसमें थोड़ा बाइट करेंगे तो क्रंचीज आती है। आपके पास आइटम क्या क्या अवेलेबल है? अभी मेन आइटम मेरे पास बर्गर और वड़ा पाव, वाइफ है और दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, आप दोनों मिलके करते हो सोच करके। तो अपनी टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग अभी तो थोड़ा 3:30 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सीजन की वजह से, सीजन की वजह से, नहीं तो फिर शाम की 5 बजे की टाइमिंग है। शाम 5 से 9 बज जाते हैं, कभी 9:30 हो जाते हैं, कभी 9 बजे का टाइम रहता है। कोई ऑयल नहीं है, ऑयल नहीं मिलेगा आपको। ये तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी वड़े में। और ये लगा दिया हमारा वड़ा। ओए होए 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 होए, यार ये चीज़ क्या मस्त लगी मेरे को, कि मतलब एक्सेस ऑयल है ही नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही। ये कमाल होता है क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का, ये आपको देखते ही पता लग जाएगा। और ये लगती हुई हमारी तीसरी चटनी, ये वही है, वही है धनिया पर, ये उसकी इमली की गुड़ की मीठी चटनी होती है भाई। ये चटनी फिर से ऊपर से लगती हुई, और भाई फ्लेवर्स की तो कोई कमी है ही नहीं। और ये अपना स्पेशल मसाला फिर से, भाई साहब आइटम की कोई कमी नहीं है यार। और ये अपनी फेवरेट चीज़ भाई साहब, मिर्ची। वड़ा पाव विदाउट मिर्ची तो यार इनकम्प्लीट ही कह लो आप। अंकल जी, आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे आते हुए? हमें तो 3-4 दिन ही हो गया। अच्छा, रीसेंट में ही अभी ज्वाइन करा है, तो कैसा लगता है यहाँ का? ठीक है, अच्छी, अच्छा है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन के हिसाब से अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट है। तो क्या ये ज़्यादा तीखे की तरफ है या मतलब बिल्कुल कैसा? जैसा बनवाओ वैसा बना देते हैं, तीखा बनाना हो तीखा बना, अपने हिसाब से वेरिएशन ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली अब मौका आ गया है इसको टेस्ट करने का। देखने में तो क्या शानदार लग रहा है यार, वड़े का साइज़ देखो यार, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। और इसके अंदर चटनी मसाले की तो कोई कमी है ही नहीं यार, ओहो। तो सीधा लेते हैं इसका बाइट, बताते कैसा है। हर एक चीज़ अपना पूरा कमाल दिखा रही है, मीठी चटनी का मीठापन, वो एक खटास, आपके हरी चटनी का एक घास, बड़ा कमाल का है भाई, कसम से कमाल का है, बहुत ही बैलेंस फ्लेवर है, ना हद से ज़्यादा तीखा लगेगा आपको, ना ही काफ़ी ज़्यादा फीका लगेगा आपको। तो सबके लिए एक बैलेंस ऑप्शन है, और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करा सकते हो अपने हिसाब से। भैया बहुत ही यार सपोर्टिव है, आप जैसा कहोगे वो वैसा बना देंगे। अब इसको करते हैं पूरा अपनी मिर्ची के साथ। इसको साइज़ इतना बड़ा है, एक बार में मेरे से ढंग से पूरा बाइट भी नहीं लिया जा रहा यार। देखो कैसे सारी चीज़ें बाहर को गिरने को हो रही है।
तो अगर आपको वड़ा पाव ट्राई करना हो और आप रोहतक में हैं तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा ट्रस्ट मी फूडीज ज़रूर एक बार ट्राई करें। टाइमिंग रहेगी आपकी 5 से 9 बजे तक, आपको ये मिलेगा ओल्ड आईटीआई ग्राउंड के पास। तो मैं इस वड़ा पाव को करता हूँ ख़त्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक बाय बाय।